सूर्य उत्तरायण पर्व से प्रकृति की आराधना अवगाहन आहिस्ता आहिस्ता वर्ष की विदाई करता पड़ता है। साथ ही नव संवत्सर के आगमन की खुशियों को भी वो व्यक्त करता हुआ त्योहार भी बन जाता है, जिसमें कुनवा संसार को नई शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाता है। वही ऋतु परिवर्तन पर स्वयं के प्रकृति के अनुरूप तमाम परिकल्पनाओं को साकार करने का माध्यम भी कहलाता है। जीवन के आरंभ से अंत तक के भावों को ये उत्सव में बदलता है और सामूहिक चेतना के भावों को इंद्रधनुषी रंग में ढालकर आगे बढ़ाता रहता है। नव संवत्सर यानी नया वर्ष आरंभ होने के उत्सव के रंग को काल गणना, ग्रह नक्षत्रों और राशियों की चाल प्रभाव को भी परिवर्तित कर सकारात्मक ऊर्जा को सूर्य चंद्र मंडल के साथ जोड़कर आगे बढ़ाता है। भारत की धरती पर्वों, तीज त्योहारों और उत्सव मनाने की धरती है। कश्मीर से लेकर बंगाल तक, आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, उत्तर और मध्य भारत में ये नौ वर्ष यानी नौ संवत्सर एक उत्सव पर्व बनकर मनाया जाता है, तो ये काल गणना की अवधारणा से भी जुड़ा है। नौ संवत्सर उत्तर और मध्य भारत में इस संवत्सर की अवधारणा की शुरुआत उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य ने आरंभ की थी। यहाँ ये त्योहार नए संकल्पों के साथ प्रकृति और अध्यात्म को जोड़कर आगे बढ़ाता है। तो फिर प्रकृति की अनुकंपा के साथ नई उमंगों से जुड़िए, उत्सव मनाइए। काल की अवधारणा कीजिए और मिल बांटकर अपनी संस्कृति को समृद्ध और संपन्न बनाइए।